हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2020 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो न्यूज़ आप लोगों को जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एनटीए के डायरेक्टर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर नीट 2020 के लिए जो आधार कार्ड है वो कंपलसरी होने वाला है। जैसे कि न्यूज़ आ रही है, एनटीए का एक प्रपोज़ल है गवर्नमेंट को कि जो नीट एग्जामिनेशन के लिए जो आधार कार्ड है उसको कंपलसरी करना चाहिए, और आधार कार्ड में जो आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, आपका फिंगरप्रिंट, उसको नीट को एक्सेप्ट करने की परमिशन मिलनी चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु में जो नीट का स्कैम हुआ, जिसमें पेपर किसी और ने दिया और एडमिशन किसी और ने लिया, जबकि काउंसलिंग किसी अदर स्टूडेंट्स ने करवाई थी, जिसकी वजह से ये प्रपोज़ल जो है गवर्नमेंट को भेजा गया है। आधार कार्ड अभी नीट के लिए कंपलसरी नहीं है। आप आधार कार्ड के अलावा कोई और भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आप ये सबमिट कर सकते हैं। बट नीट 2020 में अपकमिंग ईयर्स के लिए अब आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी करना चाहेगा, जिसमें जो आपका आधार, जैसे आप एनरोल करेंगे आधार नंबर, तो आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो होगी वो नीट के पास, एनटीए के पास पहुँच जाएगी, और एनटीए एज ए अटेंडेंस के रूप में आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यूज़ कर पाएगा, जिससे जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे तो जैसे कि अभी आपको मालूम है कि आपका एक नॉर्मल थंबप्रिंट लिया जाता है अटेंडेंस में, बाद में आपका बायोमेट्रिक जो होगा अटेंडेंस लिया जाएगा, और साथ ही साथ काउंसलिंग के टाइम पे भी आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा, जिससे जिस स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जामिनेशन दिया वही स्टूडेंट क्या काउंसलिंग करा रहा है, जिसने फॉर्म फिल किया है वही स्टूडेंट्स नीट का एग्जामिनेशन दे रहा है, क्या दूसरा स्टूडेंट्स उसकी जगह तो नहीं बैठा है। ये सब कुछ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट में हो रहा है स्कैम को रोकने के लिए एनटीए कर रहा है। आपको बता दें स्टूडेंट्स कि अभी तक आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी नहीं है नीट एग्जामिनेशन में, बट अपकमिंग ईयर्स में, जैसे नीट 2020 में अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी हो जाएगा, और हर स्टूडेंट्स को आधार कार्ड जो है वो अपना रिक्वायर्ड होगा। आधार कार्ड में ही जो सबमिट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी वैलिड इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी, जब वो इन्फॉर्मेशन आपकी मैच हो जाएगी तभी आपका फर्दर आगे एडमिशन प्रोसेस उसमें होगा। तो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक आधार कार्ड जो है वो करेक्ट नहीं है, या जिन स्टूडेंट्स का आधार कार्ड नहीं है वो अपना पहले तो आधार कार्ड अपना करेक्ट करें, और जिनका नहीं है वो अपना आधार कार्ड बनवा लें, बिकॉज अगर नीट का ऐसा रूल आता है तो फिर बाद में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, वो मैं आर्टिकल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आप यह देख सकते हैं, लिखा है मेडिकल परीक्षाओं के आधार से जोड़ने के काव्याद में एजेंसी ने सरकार से मांगी सिक्योरिटी, बिकॉज जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तब तक बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आप किसी की नहीं ले सकते। जैसे कि इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे कि थेनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ, उस केस जैसे केसेस और ना आए वो इन्फॉर्मेशन, इसीलिए आपसे आधार कार्ड कंपलसरी किया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि 4000 स्टूडेंट्स का जो बायोमेट्रिक है वो उनके आधार कार्ड से मैच किया जाए, जिन स्टूडेंट्स ने आधार कार्ड अपना डॉक्यूमेंट्स में सबमिट किया था। तो अब आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन एक फेयर एग्जामिनेशन हो सके, इसलिए आधार कार्ड कंपलसरी किया जा रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आधार कार्ड कंपलसरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।